आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, सच में गुड। जॉन, ये वेलकम यार। थैंक्स जॉन। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड, मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज है, बताओ, मुझे जानना है। जॉन, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्री की एक मीटिंग से आ रहे थे तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे दो मिनट। अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। सो अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए। एग्जैक्टली जॉन, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है, हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली, वेलकम मिस जेदा। हेलो, ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनीम, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिन उनका जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। क्या? क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन, देखो कुछ सोचने दो। अगर सीधा को अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है। चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगी? सनीम, खुद को टॉर्चर मत करो, डोंट वरी, संभालो खुद को। जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो? ऐसा मत सोचो, तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, थोड़े बच्चों जैसा है। हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। वेलकम ब्रो। थैंक यू, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था, मैं वापस जाऊँगा उससे बात करने। ओके, हाँ, जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्री एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाव, ये सुपर प्लान है, तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ, तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या?
स्टॉप इट रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो, फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवरटाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो, हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है, मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कम्फर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस यस मिस्टर जॉन। ठीक है यस, मुझे फुल एनर्जी चाहिए, गेट प्रिपेयर्ड। ओके ऑलराइट। चलो जॉन, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं थैंक्स। लैला, लैला। हाँ बोलो। मुझे अभी मिसेस मेलाहात शॉप पर जाते हुए दिखी। ठीक है, अब हमारा प्लान हम शुरू कर सकते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो शुरू करते चलो। डैड। क्या हुआ बेटा? डैड बहुत बुरा क्या हुआ? मॉम की तबीयत खराब है। कहाँ पर है? लैला का कॉल आया था, वो घर पर होगी शायद। नियात, नियात कहाँ हो तुम? नियात, मेरे में, हाँ मेरे में। नियात तुम ठीक हो? नियात, नियात बताओ क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? नियात ये काम कर गया। अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। क्या हम डोर लॉक कर दे? हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो तुम बीमार नहीं हो? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं तो मेलियात के साथ थी। अच्छा खोलो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, दरवाजा खोलो। हाँ लैला, सनम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैं कह रही हूँ जल्दी खोलो। मॉम मुझे अब जाना होगा, आप दोनों अच्छे से रहिएगा। लैला दरवाजा। ये लोग तो काफी शांत है, वरना मॉम तो अब तक दरवाजा तोड़ चुकी है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो जरूर बातें कर रहे होंगे। ठीक है अब मैं जान के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है मैं उस्मान को कॉल कर दूंगी, शायद वो आसपास ही होगा। मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। काम डाउन, काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, पर उन्होंने सिर्फ क्रिएटिव टीम को ही बुलाया है वहाँ पर। नहीं तुम मत आओ, मैं आती हूँ। ओह माय डियर, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ध्यान रखना। सनम अंदर आ जाओ। थैंक यू जॉन। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज हो जाओ। नहीं आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास, मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। यू नो आई रियली मिस यू सो 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 मच। हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे?
एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5-स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती, आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जॉन, एमरे तुम क्या कहोगे? ओ नहीं नहीं मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूं। मैं देखती हूं डार्लिंग। सनेम ये जच रहा है। तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। मैं करती हूँ। चलो काम करते हैं। वेलकम। हेलो। हम लोग वेलकम गाइस। वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। ओके। हाँ तो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गेस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा, क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया, हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों, कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मेबी। मिस्टर फैब्री काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम, वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोकस्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे, क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एग्जॉटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हुमा डियर, सॉरी, यस प्लीज। हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी, तुम्हारी फेमस चाय? जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। एमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपिटीट। अब जॉन, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कम्फर्टेबल। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू सनम। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। Really? हाँ। I'm glad you liked it. Bon appetit. जान, बर्फ पिघल रही है, आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी। ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए, परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो।
ये फिर से। अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखते हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। Hey, welcome, Jayda. Thanks, dear. मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो, पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, come on. How nice, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था, जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है, आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो, वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइस, हाँ काफी लेट हो गया, तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट, चलो सी यू। तुम यही रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला। दीदी है, अच्छा देखना तो मुझे। हाँ। हाँ, सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी, स्ट्रेस मत लिया करो। जान मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे पहले तुमने शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैंने काफी क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय जान। आप जा रहे हैं, हमने अभी तक... नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। सनीम, हमारी बात नहीं हुई, कैसा रहा वहाँ पर सब? हुमा वहाँ पर आई थी क्या? हाँ वो आई। उन्होंने फिर से तुमसे बैड ट्रीट किया? हाँ, नहीं नहीं, पर वो ज़्यादा के काफी करीब है, उन्होंने उसे... अरे ये काफी अनोइंग है, अब मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करती हैं। तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है। नहीं नहीं, सिर्फ ये चीज मुझे परेशान नहीं कर रही। आज पूरी रात हम फैब्रिक के नए परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने परफ्यूम दिया मुझे है? मुझे नहीं पता हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। शायद हमें उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। मैं नहीं बता सकती, मुझे डर लग रहा है और चीजें दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मैं सच को छिपाना भी नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। अब मैं क्या करूं लैला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सनीम, ऐसा मत सोचो, उस दिन जो भी सही था तुमने वही किया है, वरना जॉन को सजा मिलती थी। पर शायद नहीं, और मैं बहुत घबरा गई थी और मुझसे ये गलती हो गई। नहीं, सिर्फ वही नहीं, अगर फैब्री ने कंप्लेंट पीछे नहीं ली होती तो कंपनी का नाम खराब हो जाता, जो उसके कस्टमर्स को अफेक्ट करता था। सनीम, ये रेड मोड कैंपेन ने अपनी कंपनी को रिकवर किया है, तुमने सिर्फ जान को ही नहीं एजेंसी को भी बचाया है, समझी तुम? ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जान मुझे माफ कर देंगे। अब मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। और अब हमारे पेरेंट्स खुश हैं तो खुश होने का मौका भी है। हाँ हाँ, हमारा प्लान काम कर गया है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लैला, विश मी लक, ओके? ऑल दी बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑलराइट, आई एम सो स्ट्रेस्ड। सनीम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है, मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है, अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है ठीक है, आती हूँ। सनम सनम, अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना, वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ जान, तुम्हें पता तो तुम चुप रहना। मैं
जान, मुझे आपसे कुछ कहना है जान।